वेलकम बच्चों। सो अभी तक हमने देखा, हमारे पास था इंडाइसेस रूल, लॉगरिदम देखा, बाइनोमियल थ्योरम देखा, फैक्टोरियल्स देखे और मैथमेटिकल आइडेंटिटीज देखी, ठीक है। और लास्ट टाइम भी हमने कुछ प्रॉब्लम देखे लॉगरिदम्स पर, और अभी भी हम कुछ प्रॉब्लम देखेंगे लॉगरिदम्स पर, ताकि हमारा ये बेसिक लेवल पर उसके फार्मूले पूरे याद हो जाए, अच्छे से हो जाए, ठीक है। और उसके ऊपर किस तरह से सॉल्व करते हैं एग्जाम्पल, वो भी हम देखेंगे। तो चलो, यहाँ पर है हमारे पास दो क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन में 5 सब क्वेश्चन है और ये सेकेंड क्वेश्चन, ठीक है। तो सबसे पहले यहां पे जो ज्यादातर लॉग के जो बेसिक फार्मूले काम आते हैं वो है हमारे ये, कि जैसे अगर मैं कहूं लॉग ए इंटू बी, तो इसका मतलब क्या होता है, लॉग ए प्लस लॉग बी, ठीक है। अगर मैं यहां पर लूं लॉग ए अपॉन बी की बात करता हूं, तो लॉग ए माइनस लॉग बी, ठीक है। और लॉग ए टू द पावर बी अगर है तो बी सामने आता है, लॉग ए हो जाता है हमारे पास में, और बहुत सारे देखे, ठीक है। लेकिन ज़्यादातर मोस्ट ऑफ इस तीनों में से क्या होता है कि हमें काम आता है, ठीक है। तो चलो शुरुआत करते हैं। हमारे पास है ये, हेडिंग डाल देते हैं आंसर्स, ठीक है। सो यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, और उसका भी क्या है फर्स्ट, सो प्रूव दैट है। तो यहाँ पर जैसे कि आप LHS RHS लेते हो, डायरेक्ट सॉल्व करते हैं। यहाँ पर देखो क्या दिख रहा है, इट इज़ log 12, ठीक है। और log 12 को सॉल्व करके log 3 प्लस log 4 आ रहा है, एकदम सिंपल है, सिंपल। अब सबसे पहली बात तो कुछ लोगों के दिमाग पे आ ही गया होगा कि क्या करना है। यस, आप जो 12 है, इस 12 को आप मल्टीप्लीकेशन में डाल दो, ठीक है। अब यहाँ पे 3 और 4 दिख रहा ना, तो 3 4 का 12 होता है, तो मैं यहाँ लिखता हूँ log ये 3 into 4। देखो मैंने और कुछ नहीं किया, सिर्फ यहाँ पर 12 को स्प्लिट कर दिया 3 और 4 में, ठीक है। अच्छा यहाँ पे देखो ना, ये 3 into 4 है, मतलब ये फार्मूला लग रहा है a into b, तो log a होगा प्लस log b, सिंपल हो गया, हो गया। यहाँ पर log a मतलब 3 प्लस log b मतलब 4, बस ख़त्म, काम ख़त्म आपका, ठीक है। आपका मतलब यहाँ का इसका काम तमाम हो गया, इस प्रॉब्लम का एकदम सिंपल है, बस ढंग से करने की देरी है। पूरे फार्मूले याद करो, कैसे लगाते क्या लगाते वो वीडियो में देखो, मैं समझा रहा हूँ, और फिर आप इसकी प्रैक्टिस करो, ठीक है, एकदम सिंपल है। तो चलो नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन सेकंड। देखो क्या कहा उसने, ये है हमारे पास, चलो लॉग देखो ए क्यूब दिया, बी पावर 5 है और सी पावर 4 है, ठीक है। और उन्होंने कहा कि इस मैनर में आप इसको लाओ, एकदम सिंपल है बच्चों। सबसे पहले तो देखो यहाँ इन तीनों का मतलब किसका, ए क्यूब का, बी पावर 5 का, सी पावर 4 का क्या दिख रहा है, मल्टीप्लिकेशन, कुछ नहीं मतलब मल्टीप्लिकेशन। तो हम उसको सबसे पहले लॉग की एडिशन में कन्वर्ट करेंगे, यानी पहले कर लो, तो क्या होगा, लॉग ए क्यूब ये होगा पहला, प्लस दूसरा लॉग बी पावर 5 प्लस तीसरा होगा लॉग सी पावर 4 हो जाएगा। और आप यहाँ पे देखो ना, ये जो चीज़ दिख रही है a पावर 3 है, मतलब ऐसा नहीं लग रहा ये वाला फार्मूला लगेगा, log एक a पावर b है, ठीक है। सो ये b यानी ये जो हमारे पास पावर है वो क्या हो जाएगा, सामने आ जाएगा, ठीक है। सो सिंपल, आप इस 3 को सामने ले लो तो यहाँ बनेगा log a प्लस ये 5 को सामने ले लो, दैट विल बी log b प्लस ये 4 जब इधर आएगा तो दैट इज़ log c। और देखो और कुछ नहीं है, देखो 3 log a 5 log b और ये 4 log c, ठीक है। और ये यहाँ पर आप लिखेंगे इसकी लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो एकदम सिंपल तरीके से ही आप क्या होते हैं, ये जो प्रॉब्लम्स है प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व करते हैं। दूसरी बात बच्चों, जब हम थोड़ा थोड़ा तो करके हम ऊपर जब जाते हैं, एक्चुअली मुझे कपड़े की ज़रूरत है, सो एक मिनट। सो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं, तो बात कौन सी करते हैं कि अगर हमको कॉम्प्लिकेटेड एग्जांपल्स, कॉम्प्लिकेटेड जो प्रॉब्लम्स होती है उसको फास्ट करना है, तो पहले ऐसे छोटे छोटे प्रॉब्लम्स की क्या करो, आदत सी लगा दो, सैकड़ों, मैंने तो आपको 4-5 दिए, आप इधर उधर से देखो, ठीक है, ये किताब वो किताब हमारे 11 की किताब में आता है, इधर उधर सब देखो, और बार बार जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकते करो। क्योंकि मेरे बच्चों, आज जो समय हमको मिला है, कॉलेज बंद, क्लासेस बंद, हम घर में ही तैयारी कर रहे हैं, सो ये जो पूरा समय मिला ना, अपने मन से देखो, सिंपल है, क्या करो, 2-3 लोगों का ग्रुप बना दो, 2-3 लोग ग्रुप बनाकर कॉमनली एक दूसरे को क्या करो, आप प्रॉब्लम्स दो, आप उनको प्रॉब्लम दो, वो आपको प्रॉब्लम देंगे, फिर आप सॉल्व करो, उनसे चेक कराओ, टैली कराओ, वो आपसे टैली कराएगा। ऐसे तो ग्रुप स्टडी होती भाई, ग्रुप स्टडी पर फोकस करो। इसके बारे में सब कुछ मैं डिटेल में बताने वाला हूँ। मैंने अभी तक क्लास शुरू किया ही नहीं, बस छोटा मोटा हमारा बेसिक ही चलो, ईच एंड एवरी थिंग विल बी कंटिन्यूड हियर, पूरी कंटिन्यू करने वाला हूँ मैं, और हर एक चीज़ आपको
जो भी चाहते हैं वो सक्सेस देगा, ये ज़रूर है, गारंटी मेरा विश्वास है और मुझे आप पे भरोसा है, ठीक है। सो चलो आगे बढ़ते हैं, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिख रहा है, अच्छा 5 log 3 - log 9 है और log 27 लाना है, कोई बात नहीं, देखते क्या है। ये है 5 log 3 - log 9, इसका क्या बनाना है, log 27। डरो मत, सबसे पहली बात आप देखो, मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, ये 5 जैसे देखो ना, log a to the power b है, b सामने आता है, यहाँ पे log a होगा। अरे मेरे बच्चों, अगर b सामने आता तो वापस भी तो जा सकता ना, अगर उल्टा प्रोसेस करे तो। देखो 5 है तो 5 में 3 को चढ़ा सकता हूँ, तो log 3 raised to power 5 कर नहीं सकता मैं, कर सकता। अच्छा ये जो 9 है, इस 9 को मैं 3 का स्क्वेयर लिख सकता हूँ, हो जाएगा। दूसरी बात, अब दूसरी बात देखो, ये 3 power 5 को आप a समझो, 3 power 2 को आप b समझो, यानी log a - log b, भाई ये कब होता, log a/b में होता, जब डिवीज़न करते। देखो यहाँ पे हम वापस जा रहे, उल्टा हो रहे, ठीक है, तो यहाँ पे भी उल्टा कर लेते हैं, जैसे डिवीज़न है तो सब्ट्रैक्शन लेते हैं log के, तो जब log की सब्ट्रैक्शन दिखता तो आप क्या करो, log में डिवीज़न में डाल दो नंबर्स को, तो यहाँ पर होगा log a कौन होगा 3 power 5 और b कौन होगा 3 square, हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर है log, आप मुझे बताओ, ऊपर में 3 power 5 है, यानी 3 5 times है, नीचे में 3 square है, मतलब 3 2 times है, तो 2 बार कट जाएंगे तो 3 3 times, मतलब 3 का क्या बचेगा, यहाँ पर क्यूब बचेगा, ठीक है। और मेरे बच्चों कौन बताएगा 3 का क्यूब, यस 3 का क्यूब क्या है 27, डरने की बात नहीं है, एकदम सिंपल है, एंड दैट इज़ योर राइट हैंड साइड, यानी लेफ्ट हैंड साइड में आप इसको डाल दो, 5 log 3 - log, एक्चुअली थोड़ी जगह को हमें मिटा देता हूँ मैं इसको, log 9 = log 27, हो जाएगा। यानी इस तरह से जो भी हमको 2 प्रूव में दिया जाता वो हम प्रूव करते हैं यहाँ पर, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। सो व्हाट इज देयर, log 2 88, यहाँ पे है हमारे पास log 2 88 है, इज इक्वल टू, अब मुझे बताओ ये जो चीज़ है इस तरह से आने को होना, ठीक है। सबसे पहला मैं देख रहा हूँ यहाँ पे 2 है, कुछ है ये, अगर 5 उधर चला जाएगा तो 2 power 5 दिखेगा, 2 जाएगा तो 3 square दिखेगा। अब मुझे एक हैरानी करने वाली बात है, ये जो 2 88 है ना, मैं इसको तोड़ता हूँ, ठीक है, फटाफट कैसे देखो, तो यहाँ पे तोड़ना शुरू, तो 2 से डिवाइड करो, 2 1 ज़ा 2 4 ज़ा 2 4 ज़ा, हो जाएगा। फिर ये 2 है, इसको भी 2 से करो, तो 2 2 7 ज़ा 2 2 ज़ा, करते जाओ, 2 और 2 है, इसको करो तो 2 36 ज़ा, अब इतना तो आना चाहिए, 2 2 2 2 into 18, हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर 2 2 2 2 और 18 को फिर से 2 into 9, और आप यहाँ लिखो 2 2 2 2 2 और 9 को 3 into 3, हो जाएगा। अब देखो वाला क्या हो गया, 2 कितने बार हो गया, 5 times, और ये कितना हो गया हमारा, 3 9, तो आप इसको ऐसा लिख सकते हैं, मैं तो लिखता हूँ भाई, 1 ब्रैकेट में डाल दो, 2 3 4 5 3 3, हो जाएगा ऐसा, नहीं तो चेक कर लो, 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8 8 2 ज़ा 16 16 2 ज़ा, क्या हो जाएंगे हमारे पास में 32 32, 3 ज़ा करो और ये करो, तो यू विल गेट द 288। अब आप इसको मेरे ख्याल से तो भी ऐसा तो कर ही सकते हो, 2 1 2 3 4 5 है, तो 2 raised to power 5 into 3 double है, यानी 3 square, हो जाएगा। अब आप ही बताओ, फिर से आ गया मल्टीप्लीकेशन, अब जब मल्टीप्लीकेशन आ ही गया तो log की एडिशन, यानी क्या होगा, log 2 raised to power 5 प्लस log 3 square, हो गया। चलो उसके बाद में सब कुछ मालूम है, ये 5 सामने आएगा यानी log 2 होगा, प्लस ये 2 सामने आएगा तो 2 log 3 हो जाएगा, और लेफ्ट में है log 2 88, ठीक है। सो ये इस तरह से आप देखो, क्या यही हमको प्रूव करना था, क्या यही प्रूव करना था, हाँ हाँ यही तो प्रूव करना था, बस बच्चों ढंग से करो, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर हमारे पास है नेक्स्ट क्वेश्चन, जो है क्वेश्चन नंबर 5 इन द सेम क्वेश्चन फर्स्ट। चलो यहाँ है हमारे पास, ओह यहाँ पे थोड़ा सा अलग नज़र आ रहा, डरने की बात नहीं है भाई, थोड़ा थोड़ा करके करेंगे, आ जाएगा। चलो यहाँ पर क्या है, गिवन, पहले तो 2 log 15/2 है, माइनस बराबर लिखो, क्योंकि गड़बड़ी हो गई तो काम भयो, हाँ ये होने को नहीं होना, ठीक है। प्लस ये 3 log 2/9 है ऐसा,
और इसको सॉल्व करते करते वी शुड हैव लॉग टू, कितना आना चाहिए हमारे पास में लॉग टू। तो चलो अपने पद्धति से काम करते हैं। ये देखो मैं थोड़ा इक्वल यहाँ पे लिखता हूँ, थोड़ा मुझे जगह स्पेस चाहिए, ठीक है। सो ये टू है, इसको मैं कन्वर्ट कर लेता हूँ ना भाई, ये बन जाएगा फाइव इंटू थ्री, या फिर जो भी लिखना है आपको कर सकते हो, अपॉन टू कर सकता मैं, माइनस ये लॉग, थोड़ा डायरेक्टली काम करते हैं, फाइव स्क्वेयर दिस विल बी नाइन स्क्वेयर, एक काम करते हैं नाइन स्क्वेयर मेरे इसमें देखता जो अभी आगे बढ़ेगा जो भी बनेगा वो देख लेते, ठीक है। ये थ्री है लॉग टू बाय नाइन हो गया। अब हम क्या करते हैं इसको, यहाँ पे देखो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन डिवीजन साथ में, मल्टीप्लिकेशन है तो लॉग की एडिशन, डिवीजन है तो लॉग की सब्ट्रैक्शन। सो यहाँ पर क्योंकि ये टू इंटू है, अब यहाँ पे एडिशन सब्ट्रैक्शन आने वाली है लॉग की, तो जब भी मल्टीप्लिकेशन के साथ एडिशन सब्ट्रैक्शन साथ में आती है ना मेरे बच्चों, सो ब्रैकेट वैकेट का इस्तेमाल करो, क्योंकि मैंने आपको इसके पहले भी बदमाश ऑपरेशन बताया है, ठीक है। आपको मालूम है बदमाश ऑपरेशन भी बोले तो ब्रैकेट, डी डिवीजन, एम मल्टीप्लीकेशन, ए हमारा एडिशन, और यस क्या आता हमारे पास में सप्रेशन। तो ये जो बदमाश ऑपरेशन है, ये बदमाश ऑपरेशन को दिमाग में फिट करके रखो, आपके काम में आएगा, ठीक है। सो कब लेना क्या लेना ध्यान में रखो, जब भी डिवीजन मल्टीप्लीकेशन डिवीजन के साथ एडिशन सप्रेशन आती है तो वहाँ पे एडिशन सप्रेशन कहा जाती है ब्रैकेट में, ठीक है। सो ब्रैकेट डालते हैं, अब होगा लॉग फाइव प्लस लॉग थ्री, क्यू प्लस क्योंकि मल्टीप्लीकेशन टू नीचे है तो माइनस लॉग टू हो जाएगा। चलो यहाँ पर देखो क्या है हमारे पास, ये लॉग 25 बाई 18 81 था, हमने पहले जैसा कन्वर्ट कर लिया, और हम इसको सॉल्व करते क्या होगा, लॉग फाइव स्क्वेयर माइनस लॉग नाइन स्क्वेयर, लेकिन बच्चों ये गलत है, मैंने कहा यहाँ पे माइनस है और ये एडिशन सब्ट्रैक्शन में आ रहा है, तो आप यहाँ पे ब्रैकेट लेंगे क्योंकि साइन चेंज होते हैं। चलो ये बाकी चेक, तो क्या हो जाएगा, ये थ्री फिर से ब्रैकेट यहाँ पर होगा, अच्छा यहाँ पे प्लस डाल दो, यहाँ पर लॉग टू माइनस यहाँ पे होगा लॉग नाइन हो जाएगा। चलो और सॉल्व करो, स्टेप बढ़ती है फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम शुरुआती लेवल में हैं, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कर लेने के बाद यही चीज़ें फास्ट होती है, हमारी स्टेप बचा कर काम करते हैं, और आपको स्टेप्स नहीं करना ही नहीं है। जब आप अगर सीटी देंगे, नीट देंगे, जेडब्ल्यू देंगे, उसके लिए आपको ये करने के लिए फास्ट आने को ना, तो वो हमारा एक डेढ़ साल के बाद में जो हम करने वाले उसके लिए थोड़ा थोड़ा जब पढ़ के रहेंगे तब जाके फास्ट होगा, ठीक है। वी विल बी वेरी वेरी प्रिपेयर्ड, लेकिन यहाँ नहीं करेंगे, यहाँ सिंपल सिंपल करो, एक एक स्टेप बढ़ा कोई फर्क नहीं पड़ता भाई, स्टेप बढ़ने से क्या फर्क पड़ने वाला है ऐसा, लेकिन यहाँ आदत लगेंगे आपको, फिर मालूम रहेगा कि नेक्स्ट स्टेप क्या हो सकती है, ठीक है। सो फिलहाल तो इतना करो, ठीक। तो यहाँ पर हो जाएगा ये टू, टू से मल्टीप्लाई करो, टू इंटू क्या होगा लॉग फाइव, ठीक है, प्लस यहाँ पे टू इंटू लॉग थ्री, और कॉन्सेंट्रेशन पूरा रखो, कभी कभी मेरी भी गड़बड़ी हो जाती है, टू लॉग टू हो जाएगा। चलो यहाँ पर सॉल्व करते तो थोड़ा डायरेक्ट करेंगे, ये टू सामने भी आएगा तो टू लॉग फाइव, ये माइनस का प्लस होगा, ये टू को सामने ला लो, ठीक है, तो क्या हो जाएगा टू लॉग नाइन। अच्छा इस लॉग नाइन को भी हम बाद में बदल लेंगे, ठीक है। तो चलो और ये बाकी है, तो ये क्या हो जाएगा प्लस थ्री लॉग टू माइनस थ्री, यहाँ पे है फिर से लॉग नाइन हो जाएगा। तो इस तरह से आप कर सकते हो, ठीक है। चलो और इसको सॉल्व करना बाकी है हमारा, चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखो कुछ अगर हो रहा है ना, मुझे तो दिख रहा भाई, ये टू लॉग फाइव माइनस टू लॉग फाइव, ये तो कैंसिल हो रहा है, तो होने दो। और क्या क्या होता देखो, डॉट है तो टू लॉग थ्री, ठीक है, मैंने जहाँ पे क्रॉस या फिर डॉट किया वो हो गया, ये माइनस टू लॉग टू माइनस टू लॉग टू माइनस टू लॉग टू, और ये है थ्री लॉग टू प्लस में, तो लॉग टू सेम है, थ्री माइनस टू तो बनेगा वन लॉग टू, मतलब सिंपल प्लस लॉग टू, कौन कौन हो गया, क्रॉस वाला, डॉट वाला, डॉट वाला, क्रॉस वाला, ये हो गया। अच्छा ये दोनों बाकी है, ठीक है। अच्छा यहाँ पे चेक करो भला, आप ही चेक करो, यहाँ पर क्या नज़र आ रहा मुझको, ये माइनस थ्री लॉग नाइन है और ये प्लस टू लॉग नाइन है, तो माइनस थ्री लॉग नाइन प्लस टू लॉग नाइन मतलब माइनस वन लॉग नाइन, मतलब सिंपल माइनस लॉग नाइन हो जाएगा ऐसा। तो ये हम कर सकते, चलो आगे बढ़ते हैं। ये टू लॉग, अच्छा एक बात और रुका कर बता रहा हूँ, एक बात और, मैं जैसा कर रहा हूँ ज़रूरी नहीं है ना भाई, मैं किसी को भी आगे पीछे ले रहा हूँ, आपको जैसा करना है करो, बस लास्ट में योर फाइनल आंसर शुड बी दिस लॉग टू, ठीक है। तो चलो ये मैं जैसे का तैसा
नज़र आ रहा है मुझको यहाँ पे log 9, ठीक है एक काम करते हैं ना, इसी को यही पे कर लेते हैं, log 9 है तो 3 स्क्वेयर हो जाएगा। देखो ये 3 9 9 को कैसा कर सकता हूँ मैं, 3 का स्क्वेयर। अच्छा अब क्या होगा, ये 2 सामने आएगा और यहाँ रहेगा 3। अब चेक करो 2 log 3 - 2 log 3 कैंसल, सो बचेगा क्या हमारे पास, log 2 हो जाएगा। और देखो बला वही तो हमारी राइट हैंड साइड है, यानी हमारे पास फाइनली लिखो ढंग से लिखो क्या है, क्या है मुझे यहाँ से थोड़ा कम नज़र आ रहा है, log 15/2 माइनस बताओ log 25/81 वहाँ पर प्लस है 3 log इट इज़ 2/9 ठीक है और इज इक्वल टू log 2। ये जो विधान, ये जो स्टेटमेंट, ये जो एक्सप्रेशन, ये जो इक्वेशन उसने दिया ये सच है ठीक है, क्योंकि हमने इतना सॉल्व करके दिया ठीक है। चलो अब हमारे पास है एक लास्ट क्वेश्चन, मेन क्वेश्चन है सेकंड ठीक है। क्या कहा उन्होंने, देखो इफ का मतलब क्या होता है, इफ का मतलब, अरे नहीं नहीं वो यदि जर वर नहीं, इफ का मतलब गिवन, नहीं तो बोलते ना इफ यानी अगर, काई को इफ यानी गिवन, ये दिया है देखो पूरा इक्वेशन दिया है, देखो क्या है वहां पर, तो हम पहले हेडिंग डाल देते गिवन करके ठीक है। सो गिवन बताइए क्या है, log 2^x + 4 to the base a इज इक्वल टू क्या नज़र आ रहा है हमको, log 5/12 to the base a। पहली बात तो ये कि जैसे ये मैंने बताया नहीं, मैं थोड़ी देर में अब बीच बता देता हूँ ठीक है। तो देखो जैसे हमारे पास log a टू द बेस b है और यहाँ पे log c टू द बेस b है, हो क्या रहा है log बेस के साथ में अगर सेम है और बीच में अगर इक्वल साइन है तो a और c दोनों इक्वल रहते हैं, इसका मतलब a इज इक्वल टू c। अब यहाँ पर भी देखो आप लॉग और बेस क्या नज़र आ रहा, सेम लॉग और बेस क्या है, सेम है, इसका मतलब ये नंबर और ये नंबर सेम होगा ठीक है। इसलिए डायरेक्टली काम करते हैं 2^x + 4 इज इक्वल टू 5/12 हो जाएगा ऐसा ठीक है, ये ध्यान में रखो। दूसरी बात यहाँ पर इसको मिटा देता हूँ मैं, ये नियम भी है रूल भी है, मैंने आपको लिख के नहीं दिया लेकिन ध्यान में रखना ठीक है, इसको हटा दो, ये मैंने सिर्फ समझाने के लिए किया था। चलो हट गया, थोड़ा डार्किश नज़र आ रहा, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिए प्लीज़। अब मुझे बताओ बच्चों, जैसे ये 2^8 है, 2^x + 4 है, क्या आपको लगता है मैं 5/12 को 2^12 में लिख सकता हूँ? यस देखो 2 2 4 4 2 8 8 2 16 16 2 32 32 2 64 64 2 128 2 256 2 5/12 ठीक है, नहीं तो करके देखो आप घर में, देखो कितने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हम करते थे, 2 1 2 2 2 4 4 2 2 2 से मल्टीप्लाई करो, घर पे करो आप ठीक है। सो दिस कैन बी रिटन एज 2^9 ठीक है। अब हर बार यार मुझे तकलीफ मत दिया करो, हो जाएगा। अब थोड़ा इंडाइसेस रूल में देखो, a टू द पावर m इज इक्वल टू a टू द पावर n है, यहाँ पे बेस सेम है बीच में इक्वल है, मतलब m और n सेम होंगे, यानी m इज इक्वल टू n। उसी प्रकार देखो बेस 2 है, बेस 2 है बीच में इक्वल है, मतलब इंडेक्स जो है सेम रहेंगे, अर्थात x + 4 = 9। सो x इज इक्वल टू 9 - 4 एंड फाइनली आई कम टू दी वैल्यू ऑफ x एंड दैट कम्स टू 5, यानी x इज इक्वल टू क्या मिल जाता है हमको, 5 मिलती है ठीक है। तो ये वैल्यू आपको ध्यान में रखनी है ठीक है। थोड़ा सा मैं यहाँ पर एक नियम आपको log का ऑलरेडी लिख देना चाहता हूँ जो अभी आया, तो यही पर मैं स्टार पॉइंट में लिख देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझे, ये स्टार पॉइंट आप ध्यान में रखना कौन सा लिख के दिया था। जैसे एग्जांपल log m टू द बेस a इज इक्वल टू log n टू द बेस a, अगर ऐसा है ठीक है ठीक, तो m और n सेम होंगे, सो m इज इक्वल टू n, ये आपको ध्यान में रखना है, जिसका इस्तेमाल आई हैव डन हियर, मैंने इसका इस्तेमाल अप्लाई किया यहाँ पर ठीक है। सो इस तरह से बच्चों जो जो क्वेश्चन उन्होंने हमको प्रूव करने के लिए और वैल्यू ऑफ x फाइंड करने के लिए दिए थे, दैट ऑल दे आर सॉल्व्ड ठीक है। तो इस तरह से आप कर सकते हो, मैं आपको बार बार कहता हूँ अभी भी कहता हूँ, जब तक फाउंडेशन बेस पक्का नहीं, आपकी कोई भी बिल्डिंग, अब यहाँ पे एजुकेशनल बिल्डिंग बोल सकते हैं आप,
पक्की बन ही नहीं सकते, ठीक है। हम बहुत सारे वादे आपको करने वाले हैं, उतने ही जितना मैं यहाँ पूरा करने की ताकत रखता हूँ, ठीक है। सो बच्चों प्लीज़ ये सब चीज़ों को सीरियसली लो, अभी से लग जाओ, ये विचार ही मत करो कि हमारा कॉलेज चालू होने का है, अभी तक हमारा एडमिशन होने का है, ये सब प्रोसीजर बेटा चलते रहने वाली है, ये प्रोसीजर होगी, आज न कल होंगे, तुम्हारे लिस्ट लगेंगे, तुम्हारे एडमिशन होंगे, हर एक चीज़ चालू होने वाली धीरे धीरे धीरे। लेकिन तब तक के लिए हम रुके क्यों, हमारा स्टडी क्यों रुका है, इतना सारा समय है हमारे पास, सुबह से लेकर शाम तक, फिर से शाम से लेकर सुबह तक, कितना सारा समय है, ये पूरे समय का इस्तेमाल करना है भाई, मैं आपको कह रहा हूँ, ये पूरा इस्तेमाल करो, हर एक चीज़ बारीक से बारीक चीज़ सीखो। जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था, फिजिक्स और मैथमेटिक्स का कुछ दिनों तक थोड़ा सा दो चार दिनों तक सेम चलने वाला, बाकी अलग हो जाएगा। इसकी ज़रूरत कितनी है, क्या है, आज पता नहीं चलेंगे, या से 5-6 महीने के बाद जब हमारे अलग अलग हेडिंग, अलग अलग चैप्टर में, अलग अलग टॉपिक्स में, अलग अलग मेथड में, एकदम बीच के स्टेप में आ जाती है, तब आपको पता चलता कि हाउ इम्पॉर्टेंट इज दिस, ठीक है। सो बच्चों कुछ ज़्यादा नहीं कहने वाला, अभी मैं यहाँ पर रुकने वाला हूँ, ठीक है। सो यहाँ पे रुक जाते हैं, बाकी का कंटिन्यू करते हैं हम बाद में, टिल देन बाय।